आउ नाहांती स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर आज भारतर संगीत दुनिया पाई सबुठारु दुखद दिन तेबे आजर सारा दुनिया कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु से महान आत्मा को सारा दुनिया पूरा यूनिट तरफ रु श्रद्धांजलि जणाउछि। गोटे नुआ सप्ताह पुणी सारा दुनिया आउ गोटे अध्याय अध्याय रही देश विदेश अनेक जानिबा सुनिबा खबर एमिती खबर जहां आपण को उभय सूचना सह किछिटा मनोरंजन रो खोराक मध्य जगाइबो। राजनीति अर्थनीति संस्कृति विज्ञान आउ प्रजुक्ति विद्या सबु स्थान पाइछि सारा दुनिया। नमस्कार, मु निहारिका स्वागत करुछि सारा दुनिया फ्रेश एपिसोड को। सारा दुनिया रे खबर यात्रा आरंभ करिबा गोटे अति रोचक खबर। आपण माने ऑनलाइन रु कौन मगांती बा कौन बिक्री हुए से कथा निश्चय अल्प बहुत जानती, मात्र स्वामी किणवा को मिलवा केबे जानिछंती कि मात्र $25 स्वामी को निलाम बा बिक्री पाई विज्ञापन ग्राहक भी मिलीगले $25 बढ़ी हला $100। 12 जन ग्राहक भी ऑनलाइन रे निलाम डाकिथिले, मात्र निलाम को रद्द करिदेला वेबसाइट। एपरि एक निलाम एबे सृष्टि करिछि चर्चा। स्वामी को निलाम रे बिकिबा पई विज्ञापन, स्वामी घरे नथिबा बेले ऑनलाइन रे निलाम रो विज्ञापन देले स्त्री। थरे बिक्री हेले आउ फेरस्त किंबा बदल नहेबार शर्त मिलिगले 12 जण निलाम धारी। $25 रो $100 रे पहुंचिला निलाम राशि। एबे जुग होइछे डिजिटल रो, किछि वर्ष धरे डिजिटल बा ऑनलाइन किणा बिका चलिथिबा बेले महामारी काल रे गत 2 वर्ष धरी वृद्धि पाइछे ए प्रकार कारबार। मनुष्य को छाड़ी सब प्रकार जिनिस किणा बिका हेउथिबा बेले एबे ऑनलाइन किणा बिका को नै घटिछि एक अति रोचक घटना। स्त्री निज स्वामी को बिकिबा पई ऑनलाइन रे विज्ञापन दे एबे सृष्टि करिछंती चर्चा। घटनाटी न्यूजीलैंड रो। आयरलैंड रो लिंडा मार्क आलिस्टर नामक जणे महिला 2019 रे विवाह परे निजर स्वामी जॉन एवं दुई पिलांक सह एबे रहउछन्ते न्यूजीलैंड रे। दुईक दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक थिबा बेले कोनोसे कारणरु सृष्टि होइथिला समस्या। स्वामी निकटस्थ एक स्थान को माछ मारिबा को जाइथिले, से समय रे स्त्री लिंडा ट्रेडमे नामक एक ई निलाम साइट रे छाड़िले विज्ञापन, स्वामी बिक्री हेबार विज्ञापन। सेथिरे निज स्वामी को फलमंद गुण सह रूप आ अन्यान्य विशेषत्व बाबद रे मध्य लेखिबा को भूली नथिले। एभले कि तांको स्वामी को किणिबा पई चाहुतबा लोक एथिपई मूल चल बा बार्गनिंग करि पारिबे बोली से स्पष्ट भाव रे लेखिथिले। ई ऑक्शन साइट रे से देइथिबा विज्ञापन हिसाब रे तांको स्वामी जॉन हेउछंती 6 फुट 1 इंच उच्चता एवं बयस 37 वर्ष। से शिकार करबाकु एवं माछ धरिबाकु भल पांती आउ जणे बीफ फार्मर। जॉन को जदि गंडाए खाइबाकु ओ पीबाकु दिया जाए ताहेले से सबुबेले अनुगत रहिबे। तांको टिके तालिम दरकार जेंति पई तांको पाखरे समय नाही। जॉन को किणिबा परे आउ फेरस्त करिबा किंबा बदलाइबा संभव नहि। तबे लिंडा निज स्वामी को एभले ई निलाम साइट रे बिक्री पई विज्ञापन देथिले मध्य से बाबद रे जानि नथिले निजे जॉन। तांको बंधु माने विषय रे तांको सूचना देबा परे निज स्त्री को कारनामा बाबद रे से जानिबा को पाइले। ए निलाम परे 12 जण निलाम धारी मिलिथिले। निलाम पई प्राथमिक राशि $25 रु वृद्धि पाई $100 रे पहुंचिला। अवश्य शर्तावली उल्लंघन करथुबा कारणरु परे से विज्ञापन को ई निलाम साइट ट्रेड मिरु हटाई दिया जाइछि। तबे एभले को कौतूहलप्रद घटना को नै सृष्टि होइछि चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। आतंकवाद एबे सारा विश्व पई पलटिछि विपदर कारण, तेबे सेमानको दमन करिवार लडाई मध्य जारी रहिछि। एबे एथिरे अमेरिका को मिलिछि एक सफलता। 2019 अक्टोबर परे अमेरिकार बड़ आतंकवादी विरोधी कार्यानुष्ठान जो बाइडेन अमेरिकार राष्ट्रपति हेबा परे एबे प्रथम थर पई नेइछंती कुख्यात आतंकवादी विरोध रे एक्शन। सीरियार आईएस बा इस्लामिक स्टेट आतंकवादी गोष्ठीर मुखिया आबू इब्राहिम अल कुरेसी को निपात करिछि अमेरिकी सेना। सीरिया रे एक तलाशी अभियान करा जाय कुरेसी को निपात करा जिबा विषय रे ट्वीट माध्यम रे निजे घोषणा करथिले अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिकार बड़ आतंकवादी निरोधी अभियान निपात हला कुख्यात आईएस आतंकवादी आबू इब्राहिम अल कुरेसी।
सीरियारे लुचि रही आतंकवादी लीडर धरा पड़ा पूर्व बोमामाड़े हत्या कला निजक 2019 घटनार घटी पुनरावृत्ति 2019 अक्टोबर पर आमेरिकार बड़ आतंकवादी निरोधी कार्यानुष्ठान जो बाइडेन आमेरिकार राष्ट्रपति हाबापर एवं प्रथम थर पर नहीं कुख्यात आतंकवादी विरोध में आक्शन सीरीयर आएस बा इस्लामिक स्टेट आतंकवादी गोष्ठी मुखिया आबू इब्राहिम अल क्वैरेसी को निपात करी अमेरिकी सेना सीरीयर एक तलाशी अभियान क्वैरेसी को निपात करा विषय ट्वीट माध्यम निज घोषणा करी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन 2019 अक्टोबर 31 तारीख में आएस मुखिया अबू कबर अल बागदागी को सीरीयर सही समान स्थान में निपात करते अमेरिकी सैन्य यहपर संगठन मुखिया दायित्व नहीं अल क्वैरेसी अल क्वैरेसी अन्य एक ना है अमीर मुहम्मद सईद अब्दुल रहमान अल मामला सीरीयर विभिन्न स्थान समेत विश्वर अन्य केतक स्थान में आतंकी हमला करने को योजना करूला अल क्वैरेसी दुई वर्ष धरी अमेरिकार टार्गेट रही आसला से शेषे फेब्रुआरी 2 तारीख दिन राति समान ढंग से अल क्वैरेसी को अमेरिकी सेना निपात कर सूचना मिली तेरे अमेरिकी सेना अल क्वैरेसी को हत्या करना बर सेना हाथ में धरा पड़ा पूर्व से निजे एवं निज परिवार सदस्यों को बोमा द्वारा उड़ाई देछि बोली कहा जाय छि कारण पूर्व 2019 रे अल बागदादी मध्य सेही समान ढंग से धरा पड़ा पूर्व निज सहित परिवार सदस्यों को बोमा द्वारा उड़ाई देतिला आतंकवादी संगठन आएस रे मुख्य अल क्वैरेसी को धरिबा पई सीरियार उत्तर पश्चिम इडलिप प्रोविंस रे थिबा एक घर उपरे चढ़ाऊ करथिले अमेरिका सैन्य खास एति पई एक स्वतंत्र फोर्स गठन करथिला अमेरिका गुइंदा सूचना पाई से माने एक हेलिकॉप्टर जोगे उक्त घर उपरे ओलाइथिले एवं आरंभ होइथिला चढ़ाऊ यहापर दीर्घ 2 घंटा धरी आतंकवादी एवं अमेरिका सेना मध्यरे गुली विनिमय चलीथिला शेषकु धरा पड़ा पूर्व निजुक एवं स्त्री पिलांकु बोमा द्वारा उड़ाई देइथिला अल क्वैरेसी एथिरे 6 जन शिशु एवं 4 जन महिला समेत मोट 13 जन निहत होइथिबार जना पड़िछि एथिरे केही अमेरिकी सैन्य मृताहत नहीं कहुई आतंकवाद विरोध में यह अमेरिकार एक पदक्षेप कहवा सहित निजर बहादुर सेना को एथपाई प्रशंसा कर राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। लद्दाख सीमार भारत और चीन सेना गलवान घाटी निकट में प्राय 2 वर्ष तले होता से मुकाबला बाबद समस्ते जानते से भारत 20 जन वीर सैनिक शहीद होते चीन रो केते क्षयति होता से बाबद जना ना कारण चीन सबुबे तथ्य लुचे आए मात्र एवं खोली चीन रो मुखा भारत अपेक्षा चीन सेनार अधिक क्षति होता प्रमाण मिली भारतीय सेनार वीरत्व जो चीन रो 40 ऊर्ध सेना प्राण हर प्रकाश कर ऑस्ट्रेलिया एक संवाद संस्था धरा पड़ा ड्रागन रिच कलवा नदी में भासी जाते 38 चीन सैन्य 2020 जून 15 तारीख राति भारत चीन मध्य होता गलवान संघर्ष 38 जन पीएलए सैन्य गलवान नदी में भासी जाते चीन लुचाऊ तथ्य को पदार पक ऑस्ट्रेलिया न्यूज एजेंसी द क्लार्क्स चीन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन वो झूठ को कब तक छिपाएगा अपनी जनता को कब तक बेवकूफ बनाकर रखेगा गलवान में चीनी सेना ने ना सिर्फ काफी संख्या में अपने जवानों की बेगति देखी उसके अलावा चीनी सैनिकों के मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव इतना पड़ा है कि उनका मनोबल बिल्कुल गिर गया है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोराल इन दी बूट्स चीनी सेना इस वक्त इतनी ज्यादा डिमोरलाइज्ड है गलवान के बाद लेकिन हकीकत यह है कि गलवान के बाद चीनी सेना काफी ही डरी हुई है उनके सैनिक युद्ध के मैदान में जाना नहीं चाहते और चीनी सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहां पर वो अपनी जनता को झूठी बातें करके सच्चाई छुपाकर इस बात को उनसे दूर रखना चाहती है।
ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯାଏ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ ବୋଲି କହିଛି ଦ କ୍ଲାକ୍ସନ୍। ଦ କ୍ଲାକ୍ସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଚୀନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଚୀନର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ 9 ଗୁଣା ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି। ରାତାରାତି ଗଲୱାନ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଫସର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ 38 ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚୀନ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନି, ବରଂ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଡ୍ରାଗନ ରଚିଥିଲା ମିଥ୍ୟା ନାଟକ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଧରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ଦ କ୍ଲାକ୍ସନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସମ୍ବଳିତ ରିପୋର୍ଟ। ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତର 20 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। हिंदुस्तान ये कहता रहा है कि गलवान के अंदर चीन के जो सैनिक थे वो तकरीबन 40 से 50 के बीच के अंदर उनका काउंट है, 44-45 के करीब। और वही अब जो है उसकी पुष्टि हो रही है ये रिसर्च से। चीन ने तो कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि कोई हमारा उधर कैजुअल्टी नहीं हुई, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा जी 4 हुई हैं। और उन्होंने जो वहाँ पर उनके सैनिक मारे गए उनके घर वालों को तक नहीं बताया, 6 महीने साल तक नहीं बताया उनको कि क्या हुआ उनके साथ। ये उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान ने जब करगिल के अंदर अपने जो सैनिक खोए थे उन्होंने भी नहीं बताया 3-3 साल। वही चीन ने पॉलिसी अपनाई, पर सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये सत्य आ गया है बाहर दुनिया के सामने कि चीन के वहाँ जो है, हम अभी भी हिंदुस्तान उसी काउंट के ऊपर स्टैंड है, 44 से 50 के बीच के अंदर जो हैं चीनी सैनिक मारे गए थे वहाँ पर। ଦ କ୍ଲାକ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗଲୱାନ ନଦୀର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2020 ଏପ୍ରିଲ୍ ପରଠାରୁ ଚୀନ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗଲୱାନ ନଦୀ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଚୀନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। 2020 ମସିହା ଜୁନ୍ 6ରେ 80 ଜଣ ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 4 ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2020 ମସିହାରେ ଚାଇନା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ତାର 4 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାର କହିଥିଲା। ଏଥିସହ ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଉକ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଚୀନର ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନିଜ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଶତ୍ରୁର ମିଜାଇଲ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ମାତ୍ ଦେବ ଲେଜର ୱାଲ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଟିବ ପୁରୁଣା ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲେଜର ୱାଲ୍ ପାଲଟିବ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍। ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଛୋଟିଆ ଦେଶ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ନିଜ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଶତ୍ରୁର ମିଜାଇଲ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ମାତ୍ ଦେବ ଲେଜର ୱାଲ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଟିବ ପୁରୁଣା ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲେଜର ୱାଲ୍ ପାଲଟିବ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍। ନିଜର ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ। ଇହୁଦୀ ବହୁଳ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼ୁ ବିପଦ ଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଇସ୍ରାଏଲ। ପଡ଼ୋଶୀ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ହମାସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ରହିଥାଏ ଏହି ଦେଶକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ 2011 ମସିହାରେ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଭଳି ଅଭିନବ ଧରଣର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ରାଡାର ଆଧାରିତ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସୀମା ଭିତରକୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ମିଜାଇଲ ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ କରି ତାକୁ ଅକାମୀ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ ଅନେକ ଧନଜୀବନ। କିଛି ମାସ ତଳେ ହମାସର ମିଜାଇଲ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏହି ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ।
मात्र आयरन डोम व्यवस्था बेसी खर्चबहुल होइतिबारु एथिरे परिवर्तन आणिबाकु जाउछन्ति वर्तमान रे इजराइल प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। एहा बदलरे लेजर वाल भली आउरी अत्याधुनिक प्रतिरक्षा कौशल आरंभ करिबाकु जाउछि सेही देश। एहा खर्च दृष्टिरु कम होइतिबा बेले आयरन डोम तुलनारे अधिक कार्यदक्ष। देशर सीमा बाहर आसुथिबा मिसाइल रॉकेट किंबा अन्य अस्त्रशस्त्रर मुकाबिला आउरी दक्ष भावरे करिपारिबो। ए विषय निकटने एक निरापत्ता सम्मेलन घोषणा करिछन्ति इजराइल प्रधानमंत्री। खूब शीघ्र यह व्यवस्था देशर दक्षिण भागरे आरंभ करा बोली प्रकाश करिछन्ति। तेबे ए लेजर वाल रो वैषयिक कौशल कौन एहाकु नेइ एबे उत्सुकता सृष्टि होइछि। एहार इलेक्ट्रिक पल्स बाहर आसुथिबा शत्रु पक्षर मिसाइल एवं रॉकेट गुड़ी को आखि पिछुला के चिन्हट करने सहित से गुड़ी को किपर अकामी व ध्वंस करहब से बाबद प्रतिरक्षा व्यवस्था को सूचना देव। इजराइल जल स्थल एवं आकाश सबुआड़े स्थापन करा लेजर वाल यह न्यू जेनेसन डिफेन्स सिस्टम कह प्राय एक वर्ष होब ए बाबद गवेषणा चल इजराइल प्रतिरक्षा विभाग एवं यह सफल हो लेजर वाल प्रतिरक्षा व्यवस्था 100% सफल बोली कहुई। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मिल्कवे आपण माने साइंस बहिरे शब्दटि विषय रे निश्चय पढ़िथिबे। जदि साइंस रे रुचि रखुथिबे ताले एकथा भी जानिथिबे आम सूर्य बा सौरमंडल एक गैलेक्सी बा छायापथ भीतर रहिछि जहाकु कहंती मिल्कवे। एबे एई मिल्कवे बा छायापथ रे वैज्ञानिक माने ठाव करिछंती एमिते एक रहस्यमय वस्तु जहां आपणको अधिक रहस्य भीतर पकेई पारे। आसंतु देखिबा कौन से रहस्यमय वस्तु। आमर ए ब्रह्मांड अनेक अजब किछि जिनिसरे परिपूर्ण। निकटरे दक्षिण आफ्रिकार वैज्ञानिक माने आमर मिल्की वे गैलेक्सी रे हजारटी रहस्यमय उज्जवल थ्रेड बा सूता को देखि पारिछंती। सूत्र गुड़ी को वैज्ञानिक भाषा रे रेडियो फिलामेंट्स कह जाए। दुनियार सबुठ बड़ रेडियो टेलीस्कोप मेरकाट मध्यम सेगुड़िक आविष्कृत हो थ्रेड गुड़िक पूरापूरी मस्तिष्कर सीरा पी देखा। वैज्ञानिक मैंने तथ्य देखती रेडियो फिलामेंट गुड़िक प्रकृत एक प्रकार रेडियो शक्तिर विस्फोरण द्वारा सृष्टि सेगुड़िकर लंब 150 लाइट ईयर। वैज्ञानिकों अनुजाई रेडियो फिलामेंट रे कोटि कोटि इलेक्ट्रॉन बुलुची सेमानंकर निजस्व चुंबकीय क्षेत्र अच्छी जो कारण सेमाने आलोकर बेगरे गति करती। अनुसंधानकारी माने 35 वर्ष पूर्वे एही फिलामेंट गुड़ी को प्रथमे देखिथिले। सेमानंक अनुजाई मिल्की वे रे 10 गुण अधिक रेडियो फिलामेंट उपस्थित रही पारिबे। दुनिया सबुठ बड़ रेडियो टेलीस्कोप रु मिली गैलेक्सी फोटो। विश्वर सर्वबृहत रेडियो टेलीस्कोप मिरकाट दक्षिण आफ्रिकार रेडियो ज्योतिर्विज्ञान ऑब्जर्वेटरी रे रही। वैज्ञानिक मैंने टेलीस्कोप 200 घंटा बिताई रेडियो फिलामेंट स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते। मिरकाट हेउची विश्वर सबुठारु संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप जहाँ कि 64 आंटीना सहित यह 8 किलोमीटर व्यापी। वैज्ञानिक मैंने 20 विभिन्न स्थान में रेडियो पर्यवेक्षण साहय महाकाशर एक बड़ अंश को देखिपारी। रेडियो फिलामेंट्स मिल्की वे गैलेक्सी उत्पन्न होता जमापड़ी। टेलीस्कोप्रु मिली तथ्य सहित यार अनुसंधान वैज्ञानिक मानक अनुसार एगुड़िक हेउची एक सुपरनोवा तरंग। तेबे एही अनुसंधान सहित गैलेक्सी रे उपस्थित आहुरी अधिक रहस्यमय पजल समाधान करने को समर्थ हेबे बोली एही रेडियो साइंटिस्ट माने कहिछंती। लंठन रेस्टोरेंट एमिति गोटिए ना केबे आपण सुनि नथिबे। तेबे आपण मानक जानिबा पई एटी कहि रखुछि एमिति गोटिए लंठन रेस्टोरेंट एबे तयारी होईछि जापान रे। कोविड कटकणा भितरे केमिति लोक माने परस्पर को देखी सामाजिक दूरत्व भितर खाद्य खाई से दिगरे एक अभिनव प्रयास करा जाई। आसंतु लंठन रेस्टोरेंट भितर को जीवा आउ देखिबा कौन सब स्पेशल रही से रेस्टोरेंट रे। जापान रे लंठन होटेल लंठन भितर रही खाई परिबे खाद्य कोरोना कटकणा भितर नियारा उपाय। महामारी कोरोना तार काय विस्तार करिवारे लागिछि। जापान रे कोरोना संक्रमण दिनकु दिन वृद्धि होईछि।
जनवरी आरंभ रे दैनिक मामला केवल सहरे थिला हेले वर्तमान लक्ष्य को वृद्धि पाइछि। एहा को दृष्टि रे रखी संक्रमण को रोकिबा पई जापान रो राजधानी टोकियो रो एक होटल रे नियारा उपाय अणा दैछि, जहां को देखि आपण मध्य आश्चर्य होइजिबे। एबळी परिस्थिति रे कोरोना ठारु सुरक्षा देबा पई एपरि नियारा प्रयास करा जाइतिबा ई होटल को बहुत पसंद करा जाउछि। गणमाध्यमर रिपोर्ट अनुजाई सोशल मीडिया रे एई होटल को नै सबडे चर्चा, वर्तमान एहार किछि फोटो वायरल हेबारे लागिछि। कारण एई होटल रो टेबल उपरे स्वतंत्र लंटन डिजाइन रो बाक्स तयारी होईछि, जेउतिरे होटल कर्मचारी माने लैंटन डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रदर्शन करुछन्ति। टोकियो होशिनोयारे आरंभ होइतिबा एई उपाय कोरोना संक्रमण रु निजकु रक्षा करिबा सह खाइबा उपभोग करिबार एक नियारा प्रयास। जापान रो लोकमाने वर्तमान निजर सांगसाथी एवं परिवार सहित सेठारे खाइबाकु उपभोग करिपारिबे एवं बिना विपदरे। होटल को जाइतिबा ग्राहक माने लंटन आकृतिर स्वच्छ बाक्स मध्यरे रहिबे। एही बाक्सगुड़िक जापान रो पारंपरिक कारीगर मानक द्वारा निर्मित होइछि। रिपोर्ट रे कहा जाइछि होटल रे आसुथिबा अतिथि माने 30,000 येन अर्थात 19,000 टंका दे एही डिजाइन टेबल रे बसी खाद्य खाई परिबे। तेबे एही नियारा डिजाइन रो होटल को नै वर्तमान सोशल मीडिया रे चर्चा लागि रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। युक्रेन और रशिया मध्यरे दीर्घ वर्ष धरी चली आसीथिबा विवाद एबे शेषकु सृष्टि करिछि युद्ध परिस्थिति। दिन जेते बढ़ुची युक्रेन सीमारे बढ़ुची सेते उत्तेजना। आमेरिका एवं अन्य देशगुड़िक जेते बुझेले बा धमक देले मध्य युद्ध उत्तेजना कमुनी। एही परिस्थिति रे एबे बढ़ी चलिछि युद्धर आशंका। वृद्धि पाइबार लागिछि युक्रेन संकट। बेलारुषे आणविक क्षेपणास्त्र सह 30,000 सैनिक नियोजित करछि रुष। एनेइ नाटोर चेतावनी, युक्रेन उपरे आक्रमण सृष्टि करिपारे शरणार्थी संकट। युक्रेन संकट वृद्धि पाउछि। बेलारुषे रुष आणविक क्षेपणास्त्र सह 30,000 सैनिक नियोजित करथुबा नै नाटो पक्षरु चेतावनी दियाजिबा परे घटनाकु नै आशंका वृद्धि पाइबार लागिछि। नाटोर सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलेनबर्ग कहिछन्ति जे रुष स्पेटना स्वतंत्र बाहिनी समेत 1,000 सैन्य मुतयन करिछि। आणविक सशस्त्र क्षेपणास्त्र, युद्ध विमान एवं S-400 आंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मध्य नियोजित करिछि। कहुछि जे जदि युक्रेन उपरे आक्रमण कराए तेबे एक बड़ शरणार्थी संकट सृष्टि होइपारे। खाली सेतिकि नुहे, व्लादिमीर पुटिन आगामी दिन में सैन्य संख्या को 30,000 को वृद्धि करिवे बोली गुइंदा सूत्र रु जनापड़िथिबा कहिछन्ति जेन्स स्टोलेनबर्ग। तेबे शीतल युद्ध पर बेलारुष रे एहा सर्वबृहत रशियन सैनिक नियोजन हेबे। अनुमान करा जाउछि जे आगामी दिन में एठारे आयोजित होबाकु थिबा सामरिक ड्रिल को ए आक्रमण रो आवरण भाव में व्यवहार करा जिवो। नरवे सन्नाथी परिषद पूर्वानुमान करछि जदि समग्र अंचल रे हिंसा आरंभ हुए तेबे एक प्रमुख मानविक संकट देखादेव। परिषद मुख्य जॉन एग्लैंड युक्रेन गस्त पर एक बृत्ति में कहते जे पूर्व युक्रेन लक्ष लक्ष लोक जीवन एवं निरापत्ता भारसाम्य हर बसी। जदि कौन युद्ध हुए तेब ए आहतों संख्या वृद्धि पाव और बड़ आकार विस्थापित होवार संभावना सृष्टि हो। एग्लैंड कहते जे पूर्व डोनबास अंचल में लड़े लगे प्राय 8,50,000 लोक स्थानातर कर सारी एथस 30,00,000 लोक मानविक सहायता पर निर्भरशील। से अनुमान करते युक्रेन पूर्व अंचल रशिया आक्रमण कले 2,00,000 लोक विस्थापित हो। विशेषज्ञ मैंने अनेक सप्ताह धरी चेतावनी देते जे बेलारुष रशिया यार अस्त्रशस्त्र वृद्धि करने को चेषा कर। तेज सूचनाजोग्य यूरोप्र शेष एकछत्रपति शासक भाव में बेचित बेलारुष राष्ट्रपति आलेक्जाडर लुकासेंक रशिया सहित भल संपर्क रही। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। आज एपिसोड रा खबर एति पुणी मु आसीबी आगामी एपिसोड रे सारा दुनिया रे आउ किछ खबर सहित। आज पे विदा नेउची, नमस्कार।